So now we will learn about the now we will learn about the liquid state. Okay. अब थोड़ा सा सोचो, लिक्विड स्टेट में क्या होता है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है एग्जैक्टली, अगर मैं बताऊं तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होते हैं ये सब वो सॉलिड है, और ये कौन है बताओ? लिक्विड ये लिक्विड है, और लास्ट में ये कौन रहता है? गैस गैस है। अब थोड़ा सा सोचो तो लिक्विड जो है, सॉलिड से लिक्विड में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम होते हैं लेकिन गैस से ज्यादा होते हैं, हाँ या ना? यस उसकी यस डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड से कम, गैस से ज्यादा, ओके, हाँ या ना? यस ओके। दूसरी बात, इनका जो होता है वो शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन हाँ ये एक जरूर है कि ये मॉलिक्यूल एकदम बल्क में रहते हैं, इट कैन फॉर्म बल्क, मतलब ये कि पानी गैस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ उड़ेगा तो दूसरा उसरी हो जाएगा, तीसरी हो जाएगी, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा वीक होता है सॉलिड से, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स इतना जरूर होता है कि वो पूरे बल्क को एक साथ जकड़ के रखे। अब समझ रहे हो बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर हाँ, मॉलिक्यूल्स विल मॉलिक्यूल विल नॉट सेपरेट, मॉलिक्यूल विल नॉट सेपरेट विथ ईच अदर, मतलब नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ओके। मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेट नहीं करेंगे, ओके। हाउएवर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड कैन मूव फास्ट वन अनदर फ्रीली फ्रीली, मतलब वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, लिक्विड मतलब फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइड होते हैं वो, ओके। उनको एक वेसल से दूसरे वेसल में आप प्योर कर सकते हो, इट कैन बी प्योर्ड, यस और नो? सर, इसका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है ना? हाँ, वॉल्यूम फिक्स रहता है, शेप फिक्स नहीं रहता है, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, सुई ऑलरेडी हमें पता ही है। अब हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है अबाउट वेपर प्रेशर, व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर, हमें वो चीज पढ़नी है बच्चों, हमें कौन सी चीज पढ़नी है? वेपर प्रेशर, हमें ये सब तो पता ही था, है ना? यस व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर, ये होता क्या है वेपर प्रेशर, वो चीज हमें पढ़नी है, तो मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है? सुनो, अब यहां भी ये जो है वो लिक्विड फॉर्म है, ओके। लिक्विड, ओके। अब क्या होगा, अगर आपने कोई एक क्लोज वेसल ले रखा है और उसमें लिक्विड है, तब आप सोच सकते हो धीरे धीरे क्या होगा, सरफेस के जो मॉलिक्यूल है वो इस एम्प्टी स्पेस में आएंगे, हाँ या ना, वेसल में आएंगे, यस और नो? यस और फिर ये यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, प्रेशर, ठीक है, यस और यस नो? तो ये प्रेशर हुआ वेपर प्रेशर, धीरे 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 वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्यों वेपर प्रेशर बढ़ेगा बताओ? धीरे धीरे आपको पता है ना, वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग, दिस बोथ आर डिफरेंट पॉइंट, ओके। अब एग्जैक्टली अगर मैं बात करना चाहूं तो क्या होगा, अगर आप वेपर की बात करो तो यहां से सभी मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर जाएंगे और ये वेपर का प्रेशर बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, बताओ ऐसा क्यों होता होगा, कोई समझा पाएगा मुझे? सर, क्योंकि लिक्विड के सभी मॉलिक्यूल ना वो
वेपर में कन्वर्ट, सभी मॉलिक्यूल हो सकते हैं यार, थोड़े बहुत लिक्विड तो यहाँ पे बचेगा। अब ऐसी प्रोसेस स्टार्ट होगी कि आपके जितने वेपर के मॉलिक्यूल वापिस इकट्ठा होंगे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है और जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होने वाला है आपका जो वेपर फेज है और आपका ये जो लिक्विड फेज है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। सो इस वेपर प्रेशर को हम लोग बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, और इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, और हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। आई बात समझ में आपको, यस और नो? Yes, sir. Is it clear? तो कौन सा वेपर क्या हुआ, आपने एक वेसल को क्लोज कर दिया, उसकी सरफेस से सभी मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होने लगे, धीरे धीरे वेपर प्रेशर क्या होने लगा बताओ, धीरे धीरे वेपर प्रेशर क्या होने लगा, बढ़ने लगा, वेपर का प्रेशर क्या होने लगा, बढ़ने लगा, ओके फिर क्या होने लगा बताओ, वेपर का प्रेशर बढ़ने लगा, फिर एक समय ऐसा आया कि वहां पे वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तब हमें पता चला देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपर एंड लिक्विड, वेपर के जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं लिक्विड के उतने मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रेशर को जो कांस्टेंट प्रेशर उनको बोलते हैं इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी जो होता है वो बॉइलिंग का मतलब ये होता है वेपराइजेशन, जहां से वो सिर्फ वेपर में उठते हैं, बॉइलिंग का मतलब क्या होता है तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट? अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां पे आपने जो पानी को उबालना, क्या होता है उबालना, आप क्या करते हो पानी का मॉलिक्यूल रखते हो, फिर क्या होता है बताओ, जब आप इसको हीट करते हो तो क्या होता है? ओके, इसमें वेपर तो होती ही होती है, यस और नो? हाँ या ना? पहले क्या हुआ था, हुआ करता था, पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल ही वेपर में कन्वर्ट होते थे, ऊपर वाली वेपर में कन्वर्ट होंगे, हाँ या ना? Yes. लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, ऊपर वेपर क्या होता जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ज्यादा होगा ना, क्योंकि ज्यादा लिक्विड प्रेशर है वेपर में कन्वर्ट होगा। अब समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes. मैं क्या बोल रहा था आपको कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो बच्चों, बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो बच्चों, बढ़ा रहे हो, साथ ही साथ उसमें क्या होता जा रहा है बताओ, साथ ही साथ उसमें क्या होता जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जहां आपका वेपर प्रेशर जो है वो एक एटमोस्फेयर, वो टेम्परेचर मेजर करो कि जहां पे आपका टेम्परेचर, आपका वेपर प्रेशर वन एटमोस्फियर है, सराउंडिंग में जो होता है ना, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, यस सर, उतना हो जाता है, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर में कितना एटमोस्फियर होता है बताओ, 180 वन एटमोस्फियर। तो पहले क्या था कि ये वन एटमोस्फियर था, आप सराउंडिंग में तो वन एटमोस्फियर ही है, लेकिन आपका जो वेपर प्रेशर है वो वन एटमोस्फियर से कम था, लेकिन आपने क्या किया, इतना गर्म किया इसको, इतना टेम्परेचर बढ़ाया कि अब आपका वेपर प्रेशर वन एटमोस्फियर हो गया। सो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन डू यू नो, अब सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल ही नहीं वेपर में कन्वर्ट हो सकते, नाउ ईच मॉलिक्यूल हैव अ टेंडेंसी, each molecule has, now each molecule has a tendency, now each molecule has a tendency to convert into the gas,
आप समझ रहे हो बाद में क्या बोलना चाह रहा हूं? जब yes. इसका वेपर प्रेशर वन एटमोस्फेयर हो जाएगा, वेपर प्रेशर वन एटमोस्फेयर अपने आसपास के सराउंडिंग के जितना हो जाएगा, तब यहाँ पे अब पूरा बॉयल होने लगेगा। मतलब अब ये नहीं है कि सरफेस से ही मॉलिक्यूल जा रहे, पूरे बल्क में से सभी मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं। तब इसका इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर पे पूरा आपका ये जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। सो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं? नॉर्मल बॉइलिंग। हाँ, फिर कई साइंटिस्ट ऐसे आए, उन्होंने बोला कि भाई हमें एटमोस्फियर में कम इंटरेस्ट है, वी आर इंटरेस्टेड इन, हमें वेपर प्रेशर में कम इंटरेस्ट है, वी आर इंटरेस्टेड इन बार। तो एटमोस्फियर और बार ऑलमोस्ट सेम होता है, बार थोड़ा सा छोटा होता है। तो अगर प्रेशर, अगर वेपर प्रेशर वन बार जितना हो जाए, उस टाइम का जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। और एक बात बताऊं मैं आपको कि वन एटमोस्फेयर की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है और वन बार जो होता है वो थोड़ा कम होता है। वन एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 0.99 समथिंग बार होता है। समझ रहे हो बात? तो कहने का मतलब ये है पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर पानी के लिए अगर आप स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो कुछ 99.6 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, 0.4 डिग्री सेल्सियस कम होता है। समझे बात कि नहीं समझे? समझ गए। तो बात ये है कि सर इसमें डिफरेंस क्या पड़ता है? आप एटमोस्फियर रखो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप एटमोस्फियर के तौर पे ले रहे हो तब वो जो बॉइलिंग पॉइंट उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलो, और अगर आप बार के तौर पे ले रहे हो तो जो बॉइलिंग पॉइंट उसको स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलो। मतलब करना क्या होता है? करना है इसको उबालना है, इसको बॉयल करना है। कब बॉयल होगा? जब इसका वेपर उसके सराउंडिंग के प्रेशर के साथ इक्वल मैच हो जाए तब। ओके, अगर आउटर मोस्ट एटमोस्फियर वन एटमोस्फियर है, आउटर मोस्ट एटमोस्फियर का प्रेशर हम वन एटमोस्फियर कंसिडर करें और आपकी वेपर प्रेशर वन एटमोस्फियर के इक्वल हो, उस टेम्परेचर को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कंसिडर करो। और अगर आप बार के तौर पर ले रहे हो तो आउटर एटमोस्फियर को आप वन बार कंसिडर करो, और जब आपका वेपर प्रेशर वन बार हो जाए तो उस टेम्परेचर को आप स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलो। हर बार स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। ओके, इज इट क्लियर? यस यस सर। ओके, सो